बहुत स्वागत है जी सारिआं दा। मैं हां सुरेंद्र ढल्ला। लगातार कनेडा नूं लै के इंपोर्टेंट शोज़ दी सीरीज साडी चल रही है। एक बार फिर साडे नाल लैंडमार्क इमीग्रेशन दे चीफ जसमीत सिंह भाटिया जी मौजूद ने। भाटिया जी बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल। हुण सवाल भाटिया जी वड्डा ये है कि बायोमैट्रिक्स होने शुरू हो गए, कनेडा मुड़ तो खुल गया, VFS सेंटर खुल गए वड्डी गिणती दे विच, और साडे स्टूडेंट्स नूं AIP आए, उस तो बाद हुण बायोमैट्रिक्स हो रहे ने, स्टूडेंट्स दे पासपोर्ट भी स्टैंप होने लग गए, माहौल कनेडा दे लई पूरी तरह नाल खुल गया। हुण एक सवाल वड्डा ये खड़ा हुंदा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने जिन्हां जिहड़े पिछले मार्च तो जदों दा लॉकडाउन लग्गिया कन्फ्यूजन च सी कि असी अप्लाई करिए या ना करिए, कई स्टूडेंट्स दे गैप भी बन रहे ने। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कनेडा च जे हुण किसी ने अप्लाई करना है जनवरी लई चाहे करना है, चाहे मार्च लई करना है, मई लई करना है, सप्टेंबर इनटेक लई करना है, चाहे स्पाउस केस करना है, डिपेंडेंट करना है, किन्ने गैप नाल हुण स्टूडेंट कनेडा च अप्लाई कर सकदा और किहड़ा पैरामीटर हुंदा है जिसनों असी कहने कि इस व्यक्ति का गैप बन गया। और ये नाल नाल रिफ्यूजल वाले की भी मैं गल करूँगा, जिन्हां दे तुरंत रिफ्यूजल आ रहे हैं कि वह सब तो पहला केप्स नोट मंगाउण फिर अप्लाई करन या तुरंत अप्लाई करन, किहड़े केप्स नोट मंगाउण किहड़े तुरंत अप्लाई करन, ये दोनों विषय रहणगे। सब तो पहला गैप ते गल करना चाहूँगा मैं भाटिया सी। जे तुहाडा 2 साल तक का गैप है, 2 ईयर्स का गैप है, सपोज 2018 अपनी प्लस टू की एंड 2020 अपना केस ला रहे हो, दैट कैन बी कवर्ड बाय सेइंग दैट यू वर चूजिंग योर कंट्री ऑफ स्टडी, तुम कंट्री पढ़न जाना सी, और दूजा आइलेट्स करन भी तुहानू टाइम लगा, सो यू वर प्रिपेयरिंग फॉर आइलेट्स एंड यू वर चूजिंग द कंट्री फॉर स्टडी, मतलब कि तुम प्लैनिंग कर रहे सी, बजटिंग कर रहे सी, बहुत चीज़ा होंगे। सो 2 साल तक के जो गैप की असं गल करिए, कोई भी कॉलेज सरकारी कॉलेज भी तुहाडे तो ये मंगता नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मंगता कनेडा च, बिल्कुल अगर 2 साल का भी गैप, बिल्कुल सरकारी कॉलेज 2 साल तक का गैप जिन्हों कहते हैं इज एक्सेप्टेबल बाय मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। और जे तुसी ग्रैजुएट हो और 5 साल तक का तुहानू एक्सपीरियंस है या 5 साल तक का जस्टिफाइड गैप है, सपोज तुसी अपने पेरेंट्स नाल काम करते रहे ग्रैजुएशन तो बाद, या फिर तुसी कोई होर सपोर्टिंग रोल च कुछ करते रहे, सो सपोज कुछ तुसी एंट्रेंस एग्जाम्स दिते, दैट कैन ऑलसो बी कवर्ड एज जस्टिफाइंग योर गैप डॉक्यूमेंट। सो स्टूडेंट्स दे 5 साल तक का गैप आफ्टर ग्रैजुएशन, एंड जे तुहाडे कोल ग्रैजुएशन या प्लस टू इट हैज़ टू बी जस्टिफाइड एडमिशन लैण लई। जे तुहाडे कोल 2 साल तक का गैप है विदाउट जस्टिफिकेशन ऑलसो इट इज़ एक्सैप्टेबल। हुण आ जांदे गैप किन्ना एक्सैप्टेबल है, गैप तुसीं कह दो कि साडे कोल एक स्टूडेंट दी साडे किसी कॉलेज ने शेयर किया कि उन्हां कोल एडमिंटन 52 साल की लेडी पढ़न आई है, 52 ईयर्स की लेडी पढ़न आई है ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा टू कैनेडा। सो स्टूडेंट गैप जे पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होंगी, सो तुसी कभी भी तुसी पढ़न जा सकते हो, एंड साढ़े कोल भी जे असी गल करिए 37 साल 38 साल 40 साल ते वीज़ा हैगे हैं। सो एक ग्रैजुएट सी BCOM दे, ही हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ 17 ईयर्स इन ICICI बैंक, और 17 साल तो बाद उन्होंने अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया फॉर एन MBA, तो उन्होंने की कहते हैं वीज़ा मिले एंड ही स्टडिंग हिज MBA इन कैनेडा। हुण दूजे पासे लै लैंदे हां कि यूनिवर्सिटीज़ गैप जिन्ना मर्जी होए एक्सैप्ट कर लैंदियां, कुछ कॉलेजेस भी इदा के है साढ़े को कहें 10 साल का गैप है, नो प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू जस्टिफाई अस, बट यू हैव टू जस्टिफाई द वीज़ा ऑफिसर। सो तुहानू जो जस्टिफिकेशन है गैप की कॉलेज को नहीं देनी पैंदी, बहुत सारे कॉलेज है, नॉर्थवेस्ट कॉलेज कहता गैप का कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, साढ़े को बहुत सारे इदा के कॉलेज है जो कहें गैप का कोई इशू नहीं, तुम साढ़े को अपलाई करो। एंड सरकारी कॉलेज जस्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया भी यही कहता कि नो प्रॉब्लम, तुसी गैप हैगा तुसी साडे कोल अप्लाई करो, बट यू हैव टू जस्टिफाई योर गैप टू द वीज़ा ऑफिसर। सो इदा ही बहुत सारे कॉलेजेस ये भी कहते हैं कि तुहाडे कोल आइलेट्स जे नहीं हैगी और CBSE तुहाडे कोल 65% 70% तो उत्ते है कैनेडा विच भी, वी डोंट नीड एनी आइलेट्स रिजल्ट, बट यू नीड टू प्रूव योर आइलेट्स रिजल्ट टू द हाई कमीशन। सो इदा ही गैप नूं लैके जिहड़ी एक मार्केट च कैनेडा च संभावना जी बनी हुई है कि गैप वाले स्टूडेंट नूं वीज़ा नहीं मिलता, सो इदा दी कोई भी तुसी अपने दिमाग चो डाउट कर दो, बट गैप हैज़ टू बी जस्टिफाइड कि तुसी की करदे सी। बट इहदा मतलब मैं यही नहीं कह रहा कि तुसी अपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बनाओ, इहदे नाल स्टूडेंट्स नूं मैं सारे स्टूडेंट्स नूं कहना चाहांगा कि कोई फेक डॉक्यूमेंट्स ना बनाओ, जेन्युइन चीज़ां दसो। जे तुसी 3 साल अपने पेरेंट्स नाल खेती की है वह दसो, तुसी 3 साल अप डिसाइड करते लग गया तुहानूं 3 साल कि मैं किन्ने पैसे खर्चने हैं, किद्दां कैनेडा जाना है वह दसो। सो जो भी जस्टिफिकेशन हैगी है दैट हैज़ टू बी ट्रूथ, नहीं तो तुहानूं कैनेडा पहुँच के भी दिक्कतों का सामना करना पै सकता।
बहुत इंपॉर्टेंट गल है जी जसमीत भाटिया जी ने साडे नाल शेयर की है। हुण मैं गल रिफ्यूज्ड केसां दी करूँगा। भाटिया जी इस बार भी रिफ्यूजल बहुत आए हैं, कई कंसल्टेंट्स ने मैं देखे ओवरऑल रिफ्यूजल काफ़ी आए हैं। हुण उस सारे स्टूडेंट की तुरंत केप्स नोट मंगाउण, अगर केप्स नोट नूं मैं पता लग्या कि महीना सवा महीना डेढ़ महीना भी लग जाता है, किन्नी क फीस होंदी है, की वेरी करती है, कि केप्स नोट ही मंगाने चाहिए ने रीप्लाई करन तो पहला, या जिहड़े रिफ्यूज़ होए ने सितंबर इनटेक तक दे या जनवरी इनटेक तक दे, कि वो सारे हुण जनवरी इनटेक च अपलाई कर सकते हैं या उन्होंने मार्च या मई इनटेक च अपलाई करना चाहिए, किवें अपलाई करना सर? सो देखो केप्स नोट इदा होंगे कि सानू रीज़न पता लग जाता कि की तुहाडी रीज़न सी रिफ्यूजल का, और बट कई बार बहुत जेनरिक रीजनस भी लिखे आते हैं केप्स नोट च जितों इन्नी कलैरिटी नहीं मिल पाती। सो बिकॉज आई टैल यू कि जेडे वीज़ा ऑफिसर ने रिफ्यूज़ किया केस उन्हू मैं लगता नहीं है कि कोई भी कहेगा केप्स नोट के कि उन्हें गलत डिसीजन लिया, एंड मैं ओवरटर्न हों देखा नहीं कोई भी डिसीजन कि केप्स नोट्स करके कोई ओवरटर्न हो गया हो डिसीजन। सो स्टूडेंट्स केप्स नोट्स अपलाई तो करो जे तुहाडे दिमाग च कोई डाउट है कि तुहाडे एजेंट ने कोई फेक डॉक्यूमेंट लाता सी या तुहाडी फाइल विच कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा सी, या फिर तुहानूं लगता है कि तुहाडी फाइल सही तरीके प्रेजेंट नहीं हुई, तो तुसीं केप्स नोट बेशक अपलाई करो। और जे तुहाडे कोल समां हैगा एक महीने सवा महीने का तो तुसीं केप्स नोट अपलाई कर सकते हो। बट जे तुहाडी रिफ्यूजल बड़ी जेनरिक तरीके आई है, बिल्कुल ही जेनरिक है एंड नथिंग इज सो कॉम्प्लीकेटड, तुहानूं पता सी तुहाडी फाइल विच की लगा है, then you can avoid also your KEPS note. So depend करेगा कि refusal किद्दां दे candidate ते आई है, किद्दां उन्हें assessment कीती सी, केड़े college च apply कीता सी, केड़े course च apply कीता सी, तां मैं students नूं guide करांगा KEPS note कढ़ाउण लई। और समा एक बड़ा important role play करता है, क्योंकि समा एक सवा महीने लग जाते हैं, कई बार ज़्यादा भी लग जाते हैं KEPS note आंदे आंदे आ। सो इस चीज़ नूं देखदिया होया स्टूडेंट्स नूं एक assessment की लोड़ जरूर हैगी है कि मैं KEPS note कढ़ावा कि मैं KEPS note ना कढ़ावा। बिल्कुल ठीक है। सो ये तुसीं सारियां चीज़ों का ख्याल रखना है। सो हुण जिन्होंने रीअप्लाई करना है वो किवें डिसाइड करन कि असीं तुरंत कर दें रीअप्लाई? असीं डिपेंड करेगा, तुसीं एक गवर्नमेंट कॉलेज च अपलाई कीता सी, तुसीं पूरे साल की फीस भरी सी, तुसीं फाइनैंशियल डॉक्यूमेंट्स पूरे लाए सी, तुसीं अपनी फाइल खुद चैक की सी, जो भी जे गैप कवर किया तो डॉक्यूमेंट जेन्युइन सी। सो जिहड़े तुसीं कॉलेज च अपलाई किया उहदा प्रोविंस सही सी, जिहड़े प्रोविंस च अपलाई किया वह शहर सही हैगा सी, और जिहड़े कोर्स च अपलाई किया वो तुहाडी पढ़ाई दे रिलेटेड सी, या तुसीं उह कोर्स जिहड़ा लिया है उहदी जस्टिफिकेशन अपनी लैटर ऑफ एक्सप्लेनेशन च दित्ती कि नहीं दित्ती, अपनी SOP अपनी फाइल च लाई कि नहीं लाई। इस तो अलावा भी 50 फैक्टर इदां दे हैगे हैं जिहड़े तुहानूं वीज़ा लवाउण च मदद करदे हैं। हुण दा सिर्फ 1% की गलती है, पर तां पता लगदी है जदों सानूं रिफ्यूजल आ जाती है। सो 99% आपां फाइल सही ला दीए, पर जे 1% भी आपां फाइल च गलती करती तां आपां नूं रिफ्यूजल सामना करना पै सकता है। सो असैसमेंट करानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और असैसमेंट करा के रीफाइल करो, इदा अखा बंद करके अपनी रीफाइल बिल्कुल ना करो। बिल्कुल ठीक है जी। सो मैं लगता बहुत बेनीफिट स्टूडेंट्स नू इस खास शो का होएगा। सो फिर भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए है, कोई कन्फ्यूजन है, तो तुरंत जसमीत भाटिया जी के संपर्क करो। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 9413-9412 info@landmarkimmigration.com से ईमेल भी कर सकते हो, भाटिया जी खुद तुहाडे जिहड़े क्वेश्चन ने उन्होंने एड्रैस करेंगे। थैंक यू सो मच पाटिया। धन्यवाद।